कैसी हो मेरी माँ? बहुत अच्छे हैं। हम अच्छे बेटे हैं कि बुरे बेटे? बहुत बढ़िया बेटे, शायद आप जैसे बेटा कहीं नहीं मिलेगा। जो बेटा ये है कहीं नहीं मिलेगा। माँ जन्म देती है ये, वो भी एक बुरा हो जाता है, पर एक ये बेटा हम लोगों के लिए भगवान है। मेरी छत्र छाया, भोजन, दवा, दारू, हर प्रकार की सुविधाएं जो दे रहे हैं, हर प्रकार की हम लोग किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। हर प्रकार की सुविधाएं, फल दूध क्या घर में मिल सकता है? कहीं कुछ नहीं मिल सकता है। पर यहाँ पर जो इतने सुविधा दी है शायद ही कोई देता है। और आज यहाँ के जो ठेकेदार और समाज के ठेकेदार, आप तो बिहारी जी ने इनको बुला के यहाँ बैठा ला वृंदावन के अंदर। 200 साल पहले मैं जब यहाँ आई तो यहाँ कुछ नहीं था। कितना रोजगार है, कितना यहाँ आदमी पल रहा है, गली के लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। पर एक बात है बहनों, कि वो खाना खा के पत्तल में छेद करते हैं, यही सबसे बड़ी बुराई है। ये आदमी खाने के बाद पत्तल में छेद कर देता है। मिलने के बाद उनको खुशी होना चाहिए, पर नहीं, पेट भर गया, क्या करना है, सामने वाले को गाली भी दो तो चलेगा, पर वो इंसान ऐसा कि गाली खा के भी झरा लेगा, लेगा। गाली कोई चिपकती छोड़िएगा, गाली नहीं समझती। पर समाज के ठेकेदारों को ये सोचना चाहिए कि यार यहाँ माताएं, वृद्ध माताएं कहाँ कहाँ से आई हैंगी, बेचारी ठोकर खाते हुए, कोई नाती पहुँचाता तो कोई पहुँचाता है, और यहाँ आती और कितने प्रकार से सेवा करते हैंगे, दवा फल हर प्रकार की सेवाएं देते हैंगे। कोई घर से नहीं आता तो कंधा देते हैं, क्या घर कोई करने वाला है? घर वाले भी रूठ जाते हैं, इतना नहीं करते हैंगे, वो भी मार के भगा देते हैंगे। पर यहाँ तो हर प्रकार की सुविधा है, तो क्या यहाँ के समाज के ठेकेदार हैं तो क्या उनको सब बुरा लग रहा है क्या? अरे आप लोग भी मेहनत करिए, आप लोग भी समाज के सुधारक बन जाइए। सुधारक तो बनते होगे, वो जो सुधार करता है उसके पीछे पड़ते होगे, तो क्या आपके पीछे पड़ने से वो काम छोड़ देंगे? आज जो कुछ भी अगर उनको होगा, हम सारी माताएं उनके पीछे आएंगे, कोई बिगाड़ नहीं सकता है। अब आज वो मंजिल क्या है, अभी और आगे मंजिल पर जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। बिहारी जी उनके साथ, हमारे माताओं का आशीर्वाद, हमारी माओं का आशीर्वाद ही हमारा बल है। देखिए ये हमारी वृद्ध माँ है, कितने वर्ष से मैया आप यहाँ हो? मेरे को यहाँ 4 वर्ष हो गया। मेरे को ये नहीं लगता कि हमारे परिवार वाले क्या हैं। हमारा जो परिवार ये है, ये हमारे परिवार के हैं, इनका जो परिवार वो हमारा परिवार है। 4 साल से मैया यहाँ है, और इन 4 सालों में मैया के 2 बेटे हैं। कितने बेटे हैं मैया? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। कभी फोन आया बच्चों का? अरे बच्चों का फोन आते, वो छोटा बेटा हमारा दारू पीता, दारू पी के भी गाली बकता है, तो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। विधाता जैसा जो कुछ करता है वो भोगना पड़ता हैगा। पर आप जैसे बेटा तो जमाने को क्या, हमको तो मिले हैं तो हमको तो बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। मेरा आशीर्वाद ऐसा है कि आप ऊंचाइयों पर बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। माँ के 2 बेटे हैं, 1 बेटा माँ को आप जैसा माँ ने बताया कि गालियाँ देता है शराब पीकर, सेवा करते बच्चे तो क्यों आना पड़ता। और जब ये माँ आई, जब अपनों से ठुकरा करके, अपनों ने जब ठुकराया तो ये यहाँ आई, और मेरा धर्म है कि मैं ऐसी वृद्ध माँ की सेवा करूँ। और ये दास सेवा करता है। अब यदि हम सेवा करते हैं, समाज से भिक्षा मांग मांग कर सेवा करते हैं और इन माँओं को खुश रखते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? इसलिए आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को अपनी आंखों से देखें और इन वृद्ध माँओं में किसी एक माँ का सहारा जरूर बने। इन बेसहारा माँओं को आप सहारा दें। आपकी तरफ से माँ को भोजन मिलता है, आज आपकी तरफ से, कल आपकी तरफ से, परसों आपकी तरफ से। आप एक एक दिन की सेवा ले लें कि आज का भोजन हमारा, हमारी तरफ से माँ खाएंगी, आज का दूध माँ को हमारी तरफ से। सभी माँ को रात्रि को एक एक गिलास दूध मिलता है। मैया दूध मिलता है? दूध मिलता है। 6 बजे चाय आती है,
सात साढ़े सात के बीच नाश्ता आ जाता है, 12 बजे भोजन आ जाता है, 4 बजे फिर चाय पीकर मैं आ रही हूँ यहाँ पर, और 6 और 7 के बीच में फिर भोजन आ गया और 8 के बीच में दूध आ जाता है प्रत्येक माताओं को, और हर दिन फल कहीं केला तो कहीं सेव, जो जैसा मौसम पड़ता है उसके आधार पर हमको फल भी प्राप्त होते रहते हैं। बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर अपने आप आके और दवाई देते हैंगे, हमारे जो काम करने वाली बहनें हैंगी बेटियाँ हैंगी वो सब पूछती, सब माताएँ यहाँ खुश रहती हैं, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। रह गया बॉलीवुड के लिए, ये बताइए कि भगवान के जो सब पैदा हुए हैं, ईश्वर एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब चारों भाई भाई हैं, तो यहाँ अगर काटा जाए तो खून एक रहेगा। अगर वो बॉलीवुड में जाकर उन्होंने गीता का दिया उपदेश दिया, सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ के लोग क्यों जल रहे हैं, क्यों पीछे पड़े हैं, क्यों वृंदावन उनका खरीदा हुआ है क्या, वृंदावन उनका खरीदा हुआ है क्या, जो आज पीछे पड़े हुए हैंगे, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अत्याचार नहीं होगा। सही है, देखिए बुरा करने वाले को बुरा कहा जाए तो अच्छा है, पर अच्छा करके भी यदि समाज बुरा ही कहे तब तो ये बहुत बुरा है। इसलिए मुझे आप पर और माताओं पर और आप सबके आशीर्वाद पर पूरा भरोसा है, भगवान हम सबके साथ हैं। अब देखिए गौरी गोपाल आश्रम में इन माओं के लिए एक ये बड़ा वृद्धाश्रम और बनाया जा रहा है, जहां ऐसी वृद्ध माओं को और कोई माँ आए तो उनको भी यहां रहने की व्यवस्था हो, और माओं को रखा जा सकता है तो और माएँ रह सकें, उसके लिए भी एक कमरा बनवा के आप दे सकते हैं, कमरे की छत डलवा सकते हैं। आप एक माँ को, जैसा कि माँ ने बताया दूध सबको मिलता है, आप शाम का दूध माँ को अपनी तरफ से बटवाएं, आप माँ को नाश्ता दें, आप माँ को फल अपनी ओर से बटवाएं, जो आपका मन है। बच्चों का जन्मदिन आए तो वृद्धाश्रम के माँ की सेवा जरूर करिए। आश्रम निर्माण में एक कमरा बनवा के माँ को दे सकते हैं आप लोग, कि हमारी ओर से एक कमरा वृद्ध माँ को, एक कमरे की छत डलवा सकते हैं। आश्रम निर्माण में ईंट का बोरी सीमेंट का थोड़ा थोड़ा, आप सबके थोड़े थोड़े सहयोग से ही ये गौरी गोपाल आश्रम खड़ा हुआ है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य को वृंदावन में घुसने मत दो। अब सोचिए आप लोगों ने एक एक रुपए देकर, थोड़ा थोड़ा सहयोग देकर ये गौरी गोपाल बनवाया, और आप सबके सहयोग से ये आश्रम बना और यहाँ माँ की सेवा चल रही है। तो आपको पैसा आपने दिया है, गौरी गोपाल में सहयोग किया है, तो आप पैसा ही देकर नहीं साहब, थोड़ा साथ और दीजिएगा, सब तरह से खड़े रहिएगा, है ना। तो आप सबको खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि आज के युग में अच्छा करने वाले के पीछे ही लोग पड़ रहे हैं, बुरा करने वाले के पीछे कोई नहीं पड़ता। शराब पीने वाले के पीछे कौन पड़ रहा है, धर्म परिवर्तन कराने वालों के पीछे कौन पड़ रहा है ना। कौन उनसे जाके कह रहा कि तुम धर्म परिवर्तन हिंदुओं का क्यों करा रहे हो। आज पादरी आता है और पादरी हिंदुओं के गांव, जहां मंदिर थे वहां चर्च बना के चले गए, कितने हिंदुओं के गांव में चर्च बन गई, तब तो कोई खड़ा नहीं होता कि भाई तुमने चर्च क्यों बना ली। और आज यहां माँ की सेवा के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना हुई, यहां तमाम सेवाएं चल रही हैं, गुरुकुल की स्थापना हुई, तो लोग हथौड़ा लेके खड़े हैं कि कब गौरी गोपाल को हम तोड़ दें। तो आप लोग, मर्जी आपकी, बनाया आपने है, और बचाना है या तोड़ना है आप जानो। तो आप सब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होइए और ऐसे विधर्मियों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आइए, आप में से कुछ भक्तों ने इन वृद्ध माओं की सेवा के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप जितना देते हैं आपको ईश्वर कई गुना दे। मैया, आपका ये बेटा आपका बेटा बनकर सदा आपकी सेवा करेगा, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। आप सब भी आशीर्वाद दीजिए दास अनिरुद्ध को कि सेवा गौरी गोपाल में आप सबके आशीर्वाद से चलती रहे, और मेरा जीवन जब तक है तो समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा और सनातन की सेवा करते करते पूरा हो। बोलिए भारत माता की।